नमस्कार दोस्तों, आइए आज एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत यूनिट 7 जो हमारे एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड ECBC के बारे में है उसके अंतर्गत दूसरा वीडियो लेक्चर है ये एनर्जी एफिशिएंसी इन बिल्डिंग्स। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि ECBC कोड की पृष्ठभूमि क्या है, कब उसको बनाया गया था, और उसके बाद फिर हमने इको संहिता के बारे में बात की थी। तो इसी क्रम में आप हम देखते हैं कि भवनों में ऊर्जा का संरक्षण कैसे होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है, सभी के लिए जानना ज़रूरी है। कोई एक आपके पास विषय है इसलिए पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं, बल्कि क्योंकि हमारे प्रतिदिन के जीवन की चीज़ है इसलिए भी इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो भवनों में ऊर्जा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है और ECBC ने क्या नियम बनाए थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो आइए चलते हैं, हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स को कैसे हम उसमें एनर्जी एफिशिएंसी कर सकते हैं वो सारे स्ट्रेटजीज के बारे में देखते हैं। तो दो प्रकार के स्ट्रेटजीज हैं इसमें, पैसिव स्ट्रेटजीज और एक्टिव स्ट्रेटजीज। पैसिव स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं पहले इनके बारे में जान लेते हैं और फिर एक्टिव स्ट्रेटजीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए, ये है पैसिव स्ट्रेटजीज 7 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं, बिल्डिंग एनवलप, ओरिएंटेशन, शेडिंग, इंसुलेशन, डेलाइट, नेचुरल वेंटिलेशन, कूल रूफ। और एक्टिव स्ट्रेटजीज जो हम अपना सकते हैं वो है एयर कंडीशनिंग, फोर्स्ड वेंटिलेशन, लाइटिंग, सोलर फोटोवोल्टाइक, सोलर वाटर हीटर, एनर्जी मॉनिटरिंग एंड मीटरिंग सिस्टम। तो सबसे पहले इसको ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहले हम पैसिव स्ट्रेटजीज की बात करते हैं, जिसमें पहला बिंदु है बिल्डिंग एनवलप। बिल्डिंग एनवलप की हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी कि जो बिल्डिंग का आउटर मोस्ट पार्ट होता है जो कि प्रकृति के डायरेक्ट संपर्क में होता है वो बिल्डिंग एनवलप कहलाता है। इसके अंतर्गत बाहरी दीवारें, खिड़कियां, दरवाजे, छत, ये सारी चीज़ें हमारे बिल्डिंग एनवलप कहलाती हैं। अब बिल्डिंग एनवलप को हम कैसे चेंज करें, इसमें क्या मॉडिफिकेशन करें कि जिससे कि इसमें से ऊर्जा का संचरण हमारे अनुसार हो सके, जैसा हम चाह रहे हैं उसी हिसाब से हो सके। क्योंकि देखिए, ऐसा क्यों कहा गया कि हमारे अनुसार, मान लीजिए कहीं आप ठंडे प्रदेश में रह रहे हैं तो वहाँ अगर घर बनाने जा रहे हैं तो वहाँ की जलवायु के हिसाब से आपको घर बनाना पड़ेगा, और अगर गर्म प्रदेश में आप रह रहे हैं तो गर्म क्षेत्र के हिसाब से आपको बिल्डिंग एनवलप तैयार करवाना होगा। तो इसलिए इस चीज़ को कहा गया है। तो ये जानने के लिए कि भाई कैसा होना चाहिए, कुछ बातें हमें जानने ज़रूरी है। हीट फ्लो इन एंड आउट ऑफ द बिल्डिंग थ्रू इट्स वॉल एंड रूफ्स इज फास्टर। अब ऊष्मा का जो प्रवाह है बिल्डिंग के बाहर अंदर दीवारों के थ्रू, छत के थ्रू, कब बहुत तेज होता है जानना बहुत ज़रूरी है। तो कब ये तेज होता है आइए देखते हैं। द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द आउटर एंड इंडोर इज ग्रेटर। जब भी तापमान का अंतर, घर के अंदर के तापमान और बाहर के तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर होगा तो ये हमारा जो ऊष्मा का प्रवाह है वो अंदर से बाहर अथवा तो बाहर से अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ी से होगा। दूसरी चीज़ है, वेन वॉल एंड रूफ एरिया एक्सपोज टू आउटसाइड इज मोर। जब आपका छत का और दीवारों का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा होगा जो कि डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में है तो भी हमारे हीट फ्लो बहुत ज़्यादा होगा, बाहर से अंदर का हीट ट्रांसफर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होगा। और थर्ड पॉइंट है, द वॉल रूफ एंड फ्लोर मटीरियल इटसेल्फ आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। और अगर आपने मटीरियल ऐसा यूज़ कर लिया है कि जो कि कंडक्टिंग नेचर का है तो भी हीट फ्लो बहुत तेज़ी से हो सकता है। तो हमें इन बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है कि बिल्डिंग एनवलप जब हम बनाएं तो उसका क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, बाहरी दीवारों का, खिड़कियों की संख्या कितनी होनी चाहिए, छत का एरिया कितना होना चाहिए, दीवारों का एरिया कितना होना चाहिए। इस तत्पश्चात हमें ये मालूम होना चाहिए कि हम जो मटीरियल यूज़ करने जा रहे हैं उसकी कंडक्टिविटी क्या है, उसकी चालकता क्या है। कहीं पर हमें सुचालक चाहिए होगा, कहीं पर हमें कुचालक चाहिए होगा, किस टाइप का जलवायु है उसके अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करते हैं। तो हमें मटेरियल भी डिसाइड उसी हिसाब से करना चाहिए जैसी जलवायु है। तो
तो ये जानकारी होना हमारे पास ज़रूरी है कि हम किस टाइप का और बाहर का एनवलप तैयार करें। दूसरा बिंदु है ओरिएंटेशन। पैसिव स्ट्रेटजीज़ के अंतर्गत ओरिएंटेशन की बात करते हैं, यानी कि भवन का ओरिएंटेशन किस प्रकार होना चाहिए, मींस डायरेक्शन योर होम फेसेस, आपका घर किस दिशा में है। तो ये आपने भी सुना होगा कि जब हम घर खरीदते हैं, प्लॉट खरीदते हैं, तो हम देखते हैं कि वो उत्तर मुखी है, पूर्व मुखी है, ये सब हम ज़रूर देखते हैं। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये एक रीज़न हमारे पुराने सिस्टम में था और यही सिस्टम आज हमें पुनः फॉलोअप करना होता है। प्राकृतिक प्रकाश और प्राकृतिक वेंटिलेशन प्राप्त करने के लिए भवन का स्थान, उसके अंदर जगह और खिड़कियों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यानी कि अगर हमें अपने घर के अंदर प्राकृतिक प्रकाश, यानी कि सूरज के द्वारा जो प्रकाश आ रहा है वो प्राप्त करना है, और प्राकृतिक हवा जो है उसके द्वारा नेचुरल वेंटिलेशन अगर हम चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें भवन का जो किस जगह पर भवन स्थित है, वो पहली चीज़, वो भवन के अंदर कमरों का कितना स्पेस है इस चीज़ का, और खिड़कियों पर आपने कहाँ कहाँ खिड़कियाँ लगाई हुई हैं, इन सब चीज़ों का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हमें ये बहुत ज़रूरी देखना। आइए यहाँ पर ओरिएंटेशन की बात करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इस चैप्टर्स को हम ले जा रहे हैं। ओरिएंटेशन फॉर डे लाइट, जब हमें, देखिए यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं कि इसमें यहाँ दिखा रखा है कि एक खिड़की बनी है, दूसरी खिड़की अगर, और एक में, एक कमरे में दो खिड़कियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको सफिशियंट दो खिड़की के जो है उसमें सफिशियंट प्रकाश अंदर पहुँच जा रहा है, तो हमारा जो प्रकाश है वो किस तरीके से घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आए, इसकी भी हमें जानकारी होनी चाहिए। कब ज़्यादा आता है और कब आवश्यकता है ज़्यादा आने की, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हर टाइम हम सोच रहे हैं कि प्रकाश आ जाए, और प्रकाश के साथ जब भी प्रकाश आएगा तो उष्मा भी साथ साथ निश्चित रूप से आएगी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। तो यही कहा गया कि फ्रिक्वेंटली यूज स्पेसेस दैट मस्ट बी वेल लिट सच एज लिविंग रूम शुड फेस नॉर्थ साउथ। अब एक बात कहेगी कि जो हमारे लिविंग स्पेस जहाँ पर हम अक्सर रहते हैं, अक्सर रहने का मतलब जो हम घर में रहते टाइम यूज़ कर रहे होते हैं, जैसे कि स्टोर रूम है, स्टोर रूम में हम कब जाते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है सामान निकालने की, अदरवाइज हम नहीं यूज़ करते। जबकि हम मान लीजिए ड्राइंग रूम है वहाँ पर बैठते हैं, या स्टडी रूम है, या हम कहीं पर बैठक में बैठ रहे हैं, तो वहाँ हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो ऐसे रूम कहाँ पर होने चाहिए, वो इस प्रकार के जगहों पर जैसे वो नॉर्थ साउथ को फेस कर रहे हों, नॉर्थ और साउथ पोजिशन पर हों, तो वहाँ प्रकाश की मात्रा ज़्यादा आती है, इसलिए और ज़्यादा आती है, और वो ग्लेयरिंग चमक वाली, चौंधराने वाली नहीं होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट बिंदु है। तो चित्र द्वारा दर्शाया गया है कि बेहतर ये भी है, पहला चित्र में आप देख रहे हैं एक विंडो बना रखी है, इसमें दो विंडो बना रखे हैं, तो वो ठीक है, बेहतर वो भी है, लेकिन अगर दो खिड़कियाँ तो हमें ज़्यादा प्रकाश मिल सकता है, तो ये हमें जानना ज़रूरी था। देखिए नेक्स्ट है ओरिएंटेशन फॉर डे लाइट। अब इसमें इम्पैक्ट ऑफ ओरिएंटेशन ऑन हीट एंड लाइट कमिंग इनटू द बिल्डिंग। अब घर के अंदर का, घर का ओरिएंटेशन जैसा होगा उसी के अकॉर्डिंग प्रकाश प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर चित्र द्वारा दर्शाया गया है कि ओरिएंटेशन कैसा होने पर कितना फ़ायदा होता है। तो ये ग्रीन सिग्नल आपको थंब दिख रहे हैं, ग्रीन थंब जो बना रखे हैं वो अच्छे का संकेतक है, और जो रेड कलर के डाउन करके दिखा रखा है वो हमारा सबसे ज़्यादा खराब स्थिति की पोजीशन है, खराब स्थिति है। तो देखिए पूरब और पश्चिम में जो आपके स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं मानी जा रही है। पूरब से आपको ग्लेयर विद ही सम हीट मिल रहा है ना, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं, और पश्चिम में भी ग्लेयर विद लॉट्स ऑफ हीट, चमक चौंधियाने वाली वो भी मिलेगी, प्रकाश मिलेगा और गर्मी भी मिलेगी। तो ये दोनों खिड़कियाँ बहुत अच्छी नहीं मानी जाती हैं, जबकि उत्तर और दक्षिण में जो खिड़कियाँ स्थित होती हैं वो ज़्यादा बेहतर मानी जाती हैं, उसमें प्रकाश तो मिलता है लेकिन चौंधियाने वाला प्रकाश नहीं मिलता है। और इसी प्रकार से साउथ वाली थोड़ी सी कम अच्छी मानी जाती है, क्योंकि साउथ से जो खिड़कियाँ हैं उसमें गर्मी भी आती है, प्रकाश तो आ ही रहा है लेकिन साथ में गर्मी भी आ रही है, तो थोड़ा सा ये इशू एक रहता है। तो यहाँ पर इसको समराइज़ कर लेते हैं हम कि ये पोजीशन कैसी होनी चाहिए जिससे कि हमें वो मिल जाए।
तो देखिए, नॉर्थ फेसिंग विंडो के लिए प्रोवाइड कंफर्टेबल ग्लेयर फ्री लाइट, साउथ फेसिंग विंडोज प्रोवाइड एम्पल सनलाइट बट ऑल्सो हीट अप योर रूम्स एंड आर सेपरेटली हेल्पफुल इन कोल्डर क्लाइमेट्स। तो साउथ फेसिंग कमरा जो है सर्दियों में बहुत अच्छा महसूस करेगा क्योंकि वहाँ गर्मी बनी रहेगी। और ईस्ट एंड वेस्ट फेसिंग ब्रिंग बोथ हीट एंड ग्लेयर एंड शुड बी अवॉइडेड। तो ये पूरब और पश्चिम के जो कमरे हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाते हैं। वेल, विंडोज हेल्प इन ब्रिंगिंग डे लाइट शेडिंग, शेडिंग इज रिक्वायर्ड टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट। तो विंडोज खिड़कियों से तो हमें ठीक है प्रकाश मिलता है, लेकिन हमें साथ में शेडिंग की भी आवश्यकता होती है जिससे कि हम प्राकृतिक चीज़ों का अधिकतम फ़ायदा उठा सकें। ये अधिकतम फ़ायदा से क्या मतलब हुआ कि भाई क्या हमेशा अधिकतम फ़ायदा नहीं मिलता? ऐसा नहीं है। देखिए, हमें कभी प्रकाश भी चाहिए होता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अंदर की गर्मी बाहर ना जाए सर्दी के टाइम में, और गर्मी के टाइम में हम चाहते हैं कि अंदर ठंडा रहे और बाहर सारी अंदर की गर्मी बाहर निकल जाए। तो इस टाइप की जो स्थिति है वो हम शेडिंग से कंट्रोल करते हैं। तो देखिए, और इसी ओरिएंटेशन पॉइंट पर हम आगे बात करते हैं कि थर्मल कम्फर्ट हमें चाहिए। तो रूम्स योर फैमिली यूजेस फ्रीक्वेंटली शुड प्रिफरेबली फेस अवे फ्रॉम राइजिंग एंड सेटिंग सन, यानी कि ईस्ट वेस्ट में नहीं होने चाहिए रूम हमारे जो है वो साउथ और नॉर्थ में रूम अगर हो तो बेहतर रहता है। तो ये चीज़ डायग्राम के द्वारा बताई गई है कि थोड़ा सा जो ये कमरे का ओरिएंटेशन कैसा हो जिससे कि हमारा घर का ओरिएंटेशन कैसा हो जिससे हमें थर्मल कम्फर्ट मिल सके। तो चित्र द्वारा हम ये जान सकते हैं। दिस वुड रिड्यूस द हीट ऑफ सन फॉलिंग ओवर द बिल्डिंग। ओनली रूम्स नॉट मेंट फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ ऑक्यूपेंसी सच एज स्टोर रूम्स, स्टेयरकेसेस, बाथरूम एक्सेट्रा में फेस द सेटिंग सन। तो पश्चिम दिशा में जो है, क्योंकि पश्चिम दिशा में सूरज छिपता है तो इसलिए सेटिंग सन मतलब छिपने वाला, तो उस दिशा में हम ये चीज़ें स्टोर रूम्स, स्टेयरकेस, बाथरूम बना सकते हैं। तो वहाँ पर हमें, क्योंकि वो कम यूज़ होते हैं इसलिए वहाँ हमें दिक्कत नहीं होगी। अब बात की थी कि विंडो के साथ हमें शेडिंग चाहिए होती है। तो शेडिंग का क्या पर्पज़ है? शेडिंग प्रोटेक्ट अवर होम फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड रेन। तो सीधी सूरज की रोशनी से और बरसात से भी हमें बचाता है शेडिंग। तो शेडिंग कई प्रकार की हो सकती है, टेम्परेरी या परमानेंट स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं। तो ये आपने घरों में नॉर्मली देखा होगा कि होरिजेंटल ओवरहैंग्स, ये नॉर्मली हर घर में बनाया ही जाता है। होरिजेंटल ओवरहैंग्स तो सब में ही मिलेगा। कुछ जगहों पर आप देखेंगे कि वर्टिकल फेंस भी लगे हुए हैं, जैसे कि इस चित्र में दिखा रखा है वर्टिकल फेंस, है ना। तो ये एक्सटर्नल शेडिंग्स हैं। और भी कई टाइप की शेडिंग्स हम यूज़ कर सकते हैं, कम्बिनेशन ऑफ दीज। होरिजेंटल फेंस का एक कम्बिनेशन हम यूज़ कर सकते हैं, होरिजेंटल फेंस इस टाइप से भी यूज़ कर सकते हैं। वो विंडोज़ की पोजिशन के अकॉर्डिंग ये सेट किया जाता है, और जहाँ पर और कई जगहों पर हमें जैसे कम्बिनेशन ऑफ होरिजेंटल एंड वर्टिकल फेंस का हम यूज़ करते हैं। तो ये डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द बिल्डिंग ये हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, शेड प्रोटेक्ट आवर होम फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एंड रेन, शेड्स आर टेम्परेरी और परमानेंट स्ट्रक्चर। तो ये जो है यहाँ पर अब चित्र में दिखा रखा है, देखिए कि आपको ये ऊपर जो आप यहाँ देख रहे हैं ये नॉर्थ है, इधर नीचे साउथ, ये ईस्ट और वेस्ट। तो ईस्ट और वेस्ट में आपने देखा कि कम्बिनेशन ऑफ फिंस यूज़ किया गया वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का, जबकि नॉर्थ और साउथ में जो है वो हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल फिंस से ही हमारा काम चल गया। तो शेडिंग इस टाइप के हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इंटरनल शेडिंग की बात कर लेते हैं। तो एक्सटर्नल शेडिंग्स थी, ये जो एक्सटर्नल शेडिंग का देखिए अपना अलग ही रोल है। नो डाउट इंटरनल शेडिंग्स हम यूज़ करते हैं एक्सटर्नल शेडिंग्स, लेकिन हमें हर हाल में बिल्डिंग्स बनानी पड़ती हैं। तो वो स्ट्रक्चर्स एक अलग है, वो परमानेंट और टेम्परेरी दोनों टाइप के बना सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है। इंटरनल शेडिंग्स में क्या आता है? कर्टन एंड ब्लिंड्स हेल्प मेक योर होम मोर वेलकमिंग एंड ब्यूटीफुल एंड कैन हेल्प यू कंट्रोल द स्पेस टू मीट योर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यू कुड पुल द ब्लिंड्स व्हेन यू नीड एन आफ्टरनून नैप बट ड्रॉ देम अवे व्हेन यू वुड लाइक टू स्टडी। तो हम घरों में पर्दे यूज़ करते हैं, तो पर्दे विभिन्न प्रकार के पर्दे हमारे पास अवेलेबल हैं। ऑफिसेज में भी डिफरेंट टाइप के पर्दे होते हैं, वो जिनकी ये बात यहाँ पर लिखी गई है वो भी उस टाइप के पर्दे भी आपने देखे होंगे। तो विभिन्न प्रकार के हम शेडिंग्स यूज़ करते हैं। तो इंटरनल शेडिंग्स का अपना अलग ही रोल है, जो कि हमें घर को सुंदर भी बनाता है, डेकोरेटिव भी बनाता है, और साथ में हमें ऊष्मा के प्रॉपर यूटिलाइजेशन का भी ऑप्शन देता है। हाउएवर, फंडामेंटली द एक्सटर्नल शेड्स इज़ योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डायरेक्ट सन एंड हीट
while the internal blends can help you in exercising finer control over how much heat and light you want to allow into the room. तो इंटरनल शेडिंग से क्या पर्पज़ है कि हम एक्स्ट्रा कंट्रोल हमें दे देता है और एक्सटर्नल शेड जो है वो हमारे वो डायरेक्ट फेस कर रहा होता है डायरेक्ट सनलाइट को और हीट को क्योंकि वो बाहर रहता है. तो सबके अपने अलग अलग पर्पज़ है. नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलेशन की. इंसुलेशन क्या होता है? इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हीट टू ट्रेवल थ्रू हीट. तो इंसुलेटिंग मटेरियल कौन सा होता है जिस जो कि ऊष्मा का कुचालक होता है. तो हमें अपने घर में इंसुलेशन का प्रॉपर इंसुलेशन की आवश्यकता होती है. इट इज़ अप्लाइड इन बिल्डिंग्स टू रेगुलेट टेम्परेचर इन साइड द होम इररेस्पेक्टिव ऑफ आउटसाइड कंडीशंस. तो सर्दियों के मौसम में क्या है, हम चाहते हैं कि हमारा घर अंदर गर्म गर्म रहे और गर्मियों के मौसम में हम चाहते हैं कि घर अंदर ठंडा ठंडा रहे. तो हम ये अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखना चाहते हैं अपने कम्फर्ट के हिसाब से. तो इसके लिए हमें प्रॉपर इंसुलेशन करना बहुत ज़रूरी होता है. फॉर एग्जाम्पल इन हॉट क्लाइमेट्स इंसुलेशन हेल्प इन लिमिटिंग हीट फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग एंड इन कोल्ड क्लाइमेट्स इंसुलेशन हेल्प इन कीपिंग द हीट आउटसाइड द बिल्डिंग. देखिए अब इंसुलेशन कई टाइप के होते हैं तो ये भी पैसिव स्ट्रेटेजीज में है. वेन द बिल्डिंग इज नॉट इंसुलेटेड यू यूजली यूज रूम हीटर्स कूलर्स टू कीप योर होम्स एट कम्फर्टेबल टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू द आउटसाइड कंडीशंस. This essential means that there is an exchange of heat and heat energy between your home and outside environment. The building envelope of your home acts as a medium for this exchange. देखिए हमने ये building envelope की पहले ही बात कर ली थी. यानी कि insulation हम कहाँ use करेंगे, building envelope पर सबसे पहले बात आई कि insulation सबसे पहला वहाँ होना चाहिए building envelope पर. building envelope में छत आपकी आती है, दीवारें बाहरी दीवारें आती हैं और खिड़कियाँ आती हैं, तो ये मुख्य पार्ट है. तो ये बिल्डिंग एनवेलप में हमें इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ करना चाहिए क्योंकि अब इसमें अगर कंडक्टिंग मटेरियल होगा तो क्या होगा, ऊष्मा का प्रवाह बहुत तेज़ी से होगा. तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंग और अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उसमें इंसुलेशन ज़रूर हमें करवाने चाहिए ताकि हम अपने कमरे का तापमान अपनी कम्फर्ट के हिसाब से सेट कर सकें. ऑब्स्ट्रक्टिंग दिस एक्सचेंज स्पेशली ड्यूरिंग हार्श वेदर कैन हेल्प यू रिड्यूस योर रिलायंस ओवर दीज मैकेनिकल हीटर्स कूलर्स while also reducing electricity bill. insulating the building envelope can help in obstructing heat exchange. तो अगर हम insulating material use कर रहे हैं तो हमें artificial हमें temperature control की जो ज़रूरतें हैं वो हमें कम से कम आवश्यकता पड़ेगी. यहाँ चित्र में दर्शाया गया है building with poor insulation और no insulation. तो जहाँ पर हमारे पास insulation नहीं है तो यहाँ देखिए आपके गर्म हवा ऊपर बाहर निकल गई क्योंकि गर्म हवा हल्की भी होती है, वो कमरों से बाहर निकल जाती है बड़ी आसानी से क्योंकि conducting materials. यानी कि अगर आप इंसुलेशन नहीं यूज़ करें तो क्या है इसका मतलब, वो कंडक्टिंग नेचर ज़्यादा है. और यहाँ पर सेकंड डायग्राम में आप देखें बिल्डिंग इंसुलेशन विद फाइबर ग्लास इंसुलेशन. तो जहाँ फाइबर ग्लास इंसुलेशन है तो अंदर उसने हीट को गर्म हवा को अंदर मेंटेन करके रख रखा है और बाहर वाली ठंडी हवा को बाहर वाले को बाहरी मेंटेन कर दिया है. तो एक तरीके से बैरियर का काम कर दिया है. तो ये जो हमारे स्ट्रेटजीज हैं इंसुलेशंस की ये हमें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें कंफर्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो हम इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए. देखिए यहाँ पर और कुछ इंसुलेटिंग मटेरियल्स बताए गए हैं. इंसुलेटिंग मटेरियल्स कैन अप्लाइड ऑन वॉल्स रूफ विंडोज़ एंड समटाइम्स इवन वेन फ्लोर ऑफ योर होम. तो हम दीवारों पर छत पर खिड़कियों पर और कई बार फर्श पर भी हम ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स लगा सकते हैं. तो ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स दीवार और छत पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं? चॉइस ऑफ अप्रोप्रिएट मटेरियल एडिंग कमर्शियल अवेलेबल इंसुलेशन प्रोडक्ट्स कंस्ट्रक्टिंग रूफ एंड वॉल विद एयर कैविटीज इन देम. तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो कि हम इंसुलेशन हम प्राप्त कर सकते हैं एक प्रॉपर मटेरियल चूज करके. दूसरा एडिंग कमर्शियल अवेलेबल इंसुलेशन प्रोडक्ट्स जो हमारे पास प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है इंसुलेटिंग मटेरियल्स तो उनको हम यूज़ करके और कंस्ट्रक्टिंग रूफ एंड वॉल विद एयर कैविटीज़ इन देम. तो दीवारों पर और छतों पर बीच में एयर कैविटी बना करके. देखिए एयर का जो रोल है वो इंसुलेटिंग नेचर होती है. मतलब एयर हवा जो है वो कुचालक है ऊष्मा का, तो ऊष्मा को ये पास नहीं होने देता. तो हम क्या कर सकते हैं दीवारों के बीच में हम एयर कैविटीज़ बना लेते हैं. तो ऐसा हम कर सकते हैं जिससे कि इंसुलेटिंग हो. तो नॉर्मली क्या आवश्यकता कहाँ होती है, जहाँ बहुत ठंडे प्रदेश हैं
या ठंडे जगहों पर, वहाँ हम जब घर बना रहे होते हैं तो वहाँ हमें इंसुलेटिंग, बाहर बहुत ठंडक होती है तो बाहर की ठंडक अंदर ना आए और अंदर की गर्माहट बाहर ना जाए, तो ये हम चाहते हैं। तो बीच में हम इंसुलेटिंग मटेरियल के रूप में एयर का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इंसुलेटिंग मटेरियल्स यहाँ पर दिखा रखे हैं, फाइबर इंसुलेशन अवेलेबल इन रोल्स, इंसुलेशन अवेलेबल एज बोर्ड, इंसुलेशन अवेलेबल एज ए फॉर्म, AAC ब्लॉक्स फॉर वॉल। तो AAC ये अब आजकल इसी के थ्रू घर बनाए जा रहे हैं, ऐश ब्रिक होती हैं ये, तो ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, खिड़कियों में इंसुलेशन के लिए क्या ऑप्शन है? फॉर विंडोज़ इंसुलेशन कैन बी अचीव्ड बाय सिलेक्टिंग द राइट मटेरियल फॉर फ्रेम्स। तो फ्रेम के लिए हम सही पदार्थ का चुनाव करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, सिंगल पेन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, सिंगल शीशा यूज़ कर रहे हैं, ऑफन हैज़ ए स्टॉर्म विंडो स्क्रीन और कम्बिनेशन, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं करता है। लेकिन हाँ, डबल ई पेन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो एक इंसुलेटिंग अच्छा इंसुलेटर होता है, और अगर ट्रिपल पेन यूज़ कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा, क्योंकि बीच में हवा की लेयर भी बन जाती है और ये इंसुलेटिंग बहुत अच्छा इंसुलेशन का कार्य कर सकता है। तो ये हमारे पास ऑप्शंस थे विंडोज़ के लिए। अब डे लाइट की बात करते हैं पैसिव स्ट्रेटजीज़ में। डे लाइट मतलब दिन का प्रकाश, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डे लाइट हैज़ द पोटेंशियल ऑफ नेचुरली लाइटिंग अवर स्पेसेस ड्यूरिंग द डे टाइम टू अवॉइड यूज़ ऑफ आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज लाइक बल्ब, ट्यूबलाइट्स एक्सेट्रा। तो अब हमारे पास क्या है कि अगर हम डे लाइट यूज़ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं अपनी बिजली बचाने में सक्षम हो पाएंगे। यानी कि घर का स्ट्रक्चर आपका ऐसा होना चाहिए कि उसमें पर्याप्त मात्रा में रोशनी आ सके। यानी कि विंडोज़ के पोजीशन जो है बहुत मैटर करेगी कि आपने कैसे यूज़ किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, ये बता रखा है, एरियाज़ ऑफ योर होम दैट आर यूज्ड ऑफन शुड फेस नॉर्थ साउथ। यानी कि जिन अभी ये पिछले उसमें भी हमने टॉप अभी पिछले स्लाइड्स में भी देखा था कि जो हमारा कमरे की जो अच्छी पोजीशन मानी जाती है, जहाँ हम लिविंग चाहते हैं, मैक्सिमम हम ऑक्यूपेंसी करते हैं, वो नॉर्थ साउथ में कमरे होने चाहिए। नॉर्थ फेसिंग विंडो प्रोवाइड यूनिफॉर्म ग्लेयर फ्री लाइट एंड रिक्वायर मिनिमल शेडिंग्स। तो ये हमारे पास बहुत अच्छा होता है नॉर्थ वाला। अब देखिए, पोजीशन एक बना करके दिखा रखे इस चीज़ को। वाइल डिजाइनिंग योर होम यू मस्ट अवॉइड वेरी लार्ज रूम्स बिकॉज ब्राइटनेस ऑफ द लाइट डिमिनिशेस एज वी गो अवे फ्रॉम द विंडो। तो खिड़की से जैसे जैसे दूर चले जाएंगे तो वैसे वैसे हमारी रोशनी भी घटती चली जाती है, प्रकाश की जो नेचुरल लाइट आ रही है वो घटती चली जाती है। तो हमें बहुत ज़्यादा बड़े कमरे नहीं बनाने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब हम घर बना रहे हो तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यूज़ ऑफ हाई विंडोज़, नॉर्थ फेसिंग विंडोज़, रिफ्लेक्टिव शेड्स एंड प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ विंडोज़ एंड इंटीग्रेटिंग कोर्ट यार्ड्स कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डे लाइट। तो क्वालिटी ऑफ डे लाइट हम अपना इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ डायग्राम में दिखा भी रखा है, देखिए कि विंडोज़ अगर हम इस टाइप से यूज़ कर रहे हैं, वहाँ ऊपर रिफ्लेक्टर्स भी यूज़ कर लें, या नॉर्थ फेसिंग अगर हमें लाइट भी मिलने के चांसेस हैं, तो इस तरीके के डिज़ाइन बना रखे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। तो इस टाइप की विंडोज़ हम बना करके प्रकाश का रोशनी जो है अपने यहाँ पर भरपूर कर सकते हैं घर कमरे के अंदर, और हम अपनी बिजली को बचा सकते हैं। विंडो एरिया नीड्स टू बी डिज़ाइंड सो एज टू स्ट्राइक ए बैलेंस बिटवीन नेचुरल लाइट एंड द पॉसिबल इनकमिंग हीट थ्रू ग्लास। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हम नेचुरल लाइट तो ले रहे हैं लेकिन साथ में हीट भी काफ़ी ज़्यादा ऑब्जॉर्व कर ले जा रहे हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करते टाइम, कि हमारा नेचुरल लाइट तो आए लेकिन साथ साथ हीट थोड़ा सा कम रहे, कम अंदर ऑब्जॉर्व हो। शेडिंग डिवाइसेस डिस्कस्ड अर्लियर अलॉन्ग विद द ऑब्स्ट्रक्टिंग हीट फ्रॉम डायरेक्टली फॉलिंग ऑन द विंडो ऑल्सो रिड्यूस द अकुरेंस ऑफ हार्श लाइट इनसाइड द रूम्स एंड दस आर एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो अब यहाँ पर बात आती है कि भाई आपको शेडिंग्स भी यूज़ कर रहे हैं विंडो में, तो विंडो में अगर आप शेडिंग्स यूज़ करें तो डेफिनेटली लाइट का जो कंटेंट है, प्रकाश की मात्रा, वो कम पहुँचेगी घर कमरे के अंदर। तो अगर इसमें हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, डिज़ाइनिंग हमें उसी हिसाब से बनानी है ताकि हमें दोनों में कॉम्प्रोमाइज एक मिल सके। अब बात करते हैं नेचुरल वेंटिलेशन की। तो ये सब पैसिव स्ट्रेटजीज़ की ही बात चल रही है। नेचुरल वेंटिलेशन, व्हेन वी आर इंडोर्स द लेवल ऑफ CO2 इन द एयर इंक्रीजेस ड्यू टू रेस्पिरेशन साइकिल अलॉन्ग विद CO2 बॉडी ऑडोर मॉइस्चर एंड अदर पॉल्यूटेंट्स विद इन द हाउस मेक द एयर इनसाइड स्टेल। जब हम घर के अंदर होते हैं देखिए, तब हम लोग
सांस लेते हैं और सांस लेने में हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं और ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो कमरे के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। अब इसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं जो कमरे के अंदर बनती रहती हैं, तो वो सारी गैसेस जो हैं वो अंदर की हवा को गंदा कर देती हैं, और अगर गंदा हवा हो गया है तो वो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता, हमें नुकसानदायक होता है हमारे लिए। प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग स्टेल एयर इनसाइड योर होम विद फ्रेश एयर फ्रॉम एनवायरनमेंट आउटसाइड थ्रू विंडोज एंड डोर ओपनिंग्स विदाउट द यूज़ ऑफ फैंस इज नेचुरल वेंटिलेशन। बिना फोर्स के यूज़ किए, एक्सटर्नल फोर्स कैसे मिलेगा, फैंस के द्वारा, पंखों के द्वारा, तो बिना पंखों का यूज़ किए नेचुरली हम कैसे अंदर की ख़राब हवा को बाहर की स्वच्छ हवा से रिप्लेस कर सकें, ये जो है प्रक्रिया नेचुरल वेंटिलेशन कहलाती है। हमने लास्ट जो हमने टॉपिक पढ़ रखे थे HVAC के टॉपिक्स हीटिंग वेंटिलेशन में, तो वहाँ पर भी इसका जिक्र आया था। तो नेचुरल वेंटिलेशन ये प्रोसेस है जिसको हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहाँ चित्र में दिखा रखा है कि नेचुरल वेंटिलेशन आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो ये एक स्ट्रेटेजी है। विंडोज़ जो है आमने सामने हो जाए तो आपका वेंटिलेशन हो जाता है क्रॉस वेंटिलेशन, और अगर कुछ ऐसा हो जाए तो और भी अच्छी बात है कि नीचे से भी वेंटिलेशन जो है प्रॉपर हो सके, तो ये प्रॉपर क्रॉस वेंटिलेशन एक हो जाता है, बहुत बढ़िया वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन संभव। तो खिड़कियों की पोजीशन पर डिपेंड करता है कि खिड़कियाँ हमारे कैसी जगहों पर हमने डिज़ाइन करी हुई हैं। तो ये कुछ डायग्राम बना रखे हैं, ये आपको देखिए जब भी आप घर बनाएं तो ये तो एक इंडिकेटिव है, इन्फॉर्मेटिव है चीज़ें। इसके अलावा स्ट्रेटेजीज जो है डिज़ाइन की आपको खुद ही करनी पड़ेंगी, आपके रन टाइम में या जब आप बनाने जा रहे हो तो उस टाइम पे कैसा होना चाहिए। हमें इस टॉपिक पे केवल मैं इस बात पर फोकस करना चाह रहा हूँ कि हमें इसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि जब हम अपना घर का डिज़ाइन करवाएं तो उसमें इन सब बातों को ध्यान रखें। तो पर्पज़ यही है इसका, इसमें ये नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा ये नहीं बताया कि आप ये इस टाइप का खिड़की बना दो, इस टाइप का आप घर मटेरियल लगवा दो, ये सब चीज़ें आपको डिज़ाइन के टाइम में ही डिसाइड करनी है और आपके अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड करनी होती हैं। तो देखिए ये एक कुछ डायग्राम्स बना रखे हैं, डिफ्लेक्ट विंडो डायरेक्शंस, पार्टीशंस अवे फ्रॉम विंडोज, विंडो पोजीशन, डिस्टर्बिंग एयर, आउटलेट लार्जर देन इनलेट, तो ये कुछ यहाँ पर चित्र दिखाए गए, तो सही और गलत की स्थिति बताई गई कि विंडो पोजीशंस आप कैसे रखेंगे तो ख़राब हो जाएगा और अच्छी पोजीशन क्या संभव हो सकती है, तो ये इस चित्र के द्वारा हम जान सकते हैं। नेचुरल वेंटिलेशन इसमें बहुत अच्छा हो जाता है। सेवेंथ पैसिव स्ट्रेटजीज जो है वह कूल रूफ, ठंडी छत का कॉन्सेप्ट क्या है। कूल रूफ आर यूज्ड इन हॉटर क्लाइमेट्स, जैसे रेगिस्तान जैसी जगह, राजस्थान जैसी जगह, और पर आजकल तो सभी जगह गर्मी हो रखी है, गर्मी के मौसम में गर्मी सभी जगह हो जाती है, तो हमारी छतें ठंडी हों ये कैसे बनाया जाए, तो इसकी कुछ स्ट्रेटजीज यूज़ करें। ग्रीन रूफ्स और रिफ्लेक्टिव सर्फेसिस ऑप्शंस हैं। ग्रीन रूफ्स आर गार्डन्स कल्टिवेटेड ऑन द टेरेस, हम अपनी छत पर गार्डन बना दें। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर गार्डन बना हुआ है, तो इस गार्डन को हम ये छत पर ही थोड़ा सा मिट्टी की लेयर बना करके उस पर घास लगा दिया गया, तो ये एक ग्रीन रूफ कहलाती है और ये हमारे नेचुरल वेंटिलेशन की तरफ, नेचुरल कूलिंग के लिए हमारे छत को नेचुरल कूलिंग प्रोवाइड करती है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। सेकंड ऑप्शन है रिफ्लेक्टिव सरफेस, योर रूफ कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कूल रूफ बाय पेंटिंग इट विद वाइट रिफ्लेक्टिव पेंट एंड ओवरलेइंग द सरफेस विद वाइट सिरेमिक ब्रोकन टाइल्स एक्सेट्रा, तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं कि हम अपने छत को कूल रूफ के में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस किस तरीके से, या तो छत पर रिफ्लेक्टिव पेंट कर दें, तो रिफ्लेक्टिव पेंट से क्या है वो जैसे ही सूरज की रोशनी पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, या हम ऐसा करें कि उसके ऊपर सिरेमिक डाल दें, जो टूटा फूटा सिरेमिक हमारा बचा हुआ उसको वहाँ पर पेस्ट करें ताकि रिफ्लेक्शन बढ़ जाए। तो यहाँ एक चित्र दिखा रखा है रिफ्लेक्टिव सरफेस का, कि अनकोटेड रूफ लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कोटेड रूफ आप देख सकते हैं, तो ये जो अनकोटेड रूफ है वो केवल 17% रिफ्लेक्ट कर रही है और बाकी जो है 83% करीब करीब वो एब्जॉर्ब हो जा रहा है लाइट, सनलाइट, तो अंदर गर्मी बढ़ जाएगी। तो मान लीजिए गर्मियों का सीज़न है तो आप क्या करोगे, पंखा चलाओगे, एसी चलाओगे, कूलिंग डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करोगे, कूलर बढ़ा देंगे आप, तो बिजली कुल मिला के खर्च करेंगे। लेकिन अगर आपने रिफ्लेक्टिंग सर्फेसिस की छत बनाई हुई है, कोटेड रूफ कर रखा है,
तो 88% रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, देखिए तो लगभग 12% ही एनर्जी जो है सन की वो एब्जॉर्ब हो रही है अंदर। तो अंदर आपको टेम्परेचर मेंटेन करने में कम एनर्जी की जरूरत होगी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अपना कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं, क्योंकि आपके पंखे कम चलेंगे, आपका कूलर कम चलेगा, एसी आपका लो टेम्परेचर पर चलेगा। तो ये हमने पैसिव स्ट्रेटजीज़ की बात की थी, आइए बात करते हैं एक्टिव स्ट्रेटजीज़ की। एक्टिव स्ट्रेटजीज़ की वो कैटेगरी है जिसमें कि हम एक्सटर्नल पावर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिव डिवाइसेस कह लीजिए। तो एक्सटर्नल पावर जब हम यूज़ करके अपने कम्फर्ट को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल डिवाइसेज यूज़ करते हैं, तो उन सब कैटेगरी में जहाँ जहाँ भी ये चीज़ यूज़ होती है तो हम उसको बोलते हैं एक्टिव स्ट्रेटजीज़। तो इसके लिए कुछ एक्टिव स्ट्रेटजीज़ जो है बिजली के थ्रू ही हम यूज़ होते हैं, कुछ हम नेचुरल एक्टिव स्ट्रेटजीज़ भी अपना सकते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें एयर कंडीशनिंग, रूम का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हम यूज़ करते हैं एसी। तो सिस्टम ट्रांस ये एयर कंडीशनिंग क्या काम करता है, दिस सिस्टम ट्रांसपोर्ट हीट दैट इज़ दे मूव इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। कमरे की जो गर्म हवा है उसको ठंडा कर देता है ये, और उसकी गर्मी को बाहर वातावरण में फेंक देता है, अंदर कमरे को ठंडा कर देता है। तो ये एयर कंडीशनिंग का काम है। एयर कंडीशनिंग कई सारे टाइप्स के होते हैं, विंडो टाइप के हो सकते हैं, स्प्लिट टाइप के हो सकते हैं, और आजकल तो सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशनिंग सिस्टम भी है। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग हम वो टाइप ऑफ एसी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा भी हमारा रिक्वायरमेंट है और साइज़ के हिसाब से भी हमें एसी डिसाइड करना होता है, 1 टन एसी चाहिए, 1.5 टन चाहिए, या और भी कम रिक्वायरमेंट है या बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वो डिपेंड करता है बिल्डिंग पर। तो एयर कंडीशनिंग हम फिलहाल मतलब ये जानना जरूरी है कि एयर कंडीशनिंग हम यूज़ करते हैं अपने कम्फर्ट के लिए। अब ये यू कैन स्टिल रिड्यूस योर इलेक्ट्रिसिटी बिल बाई यूजिंग एयर कंडीशनर्स दैट हैव मोर बी डबल स्टार्स। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने स्टार रेटिंग बना रखी है, और सॉरी ये जो स्टार रेटिंग है ये 1 to 5 होती है। तो स्टार रेटिंग जितनी ज़्यादा होगी उतना ही एनर्जी एफिशिएंट डिवाइस होगी, ये चीज़ निश्चित हो गई। अब एक चीज़ समझने के यहाँ पर कि हमें एसी कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। देखिए 5 स्टार रेटिंग वाला एसी जब आप ख़रीदने जाएंगे तो महंगा ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप उसका एनर्जी कंजम्पशन देखें तो वो लॉन्ग टर्म में विद इन 3 to 5 years वो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल को कंपनसेट कर देगा जितना उसने एक्स्ट्रा चार्ज लगाया। देखिए मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपने 3 स्टार एसी लिया, 3 स्टार एसी 35,000 में लग गया, आपने 5 स्टार एसी लिया वो 45,000 में लगा, तो आपने यहाँ पर 10,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करे, लेकिन ये जो 10,000 रुपये का आपने एक्स्ट्रा भी पे किए ये अभी तो ज़्यादा लग रहा है ख़रीदते टाइम में, लेकिन जब एसी यूज़ होने लग जाता है और इलेक्ट्रिसिटी का जैसे हम देख रहे हैं कि साल दर साल रेट बढ़ते चले जाते हैं, तो प्रति यूनिट कंजम्पशन जो है वो अब 3 स्टार रेटिंग वाला कंजम्पशन ज़्यादा करेगा, वो यूनिट ज़्यादा खाएगा, और 5 स्टार रेटिंग वाला यूनिट कम खाएगा, बिजली की यूनिट कम खाएगा। तो 5 स्टार रेटिंग का बिल कम आएगा और 3 स्टार रेटिंग वाले एसी का बिल ज़्यादा आएगा। तो 10 साल तक मान लीजिए आप एसी यूज़ कर रहे हैं तो 10 साल के लिए आप ज़्यादा बिजली दे रहे हैं बिजली का बिल 3 स्टार रेटिंग के लिए, जबकि 5 स्टार रेटिंग के लिए आप कम बिजली का बिल भरने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से विद इन, ये मैंने पिछले लेक्चर्स में भी कैलकुलेशन करवाई थी आपको कि हम विद इन 3 to 5 years जो है एनर्जी एफिशिएंट एसी जो हमारा वो जो हमने ये 10,000 रुपये या 15,000 रुपये जो भी खरीदते टाइम हमने एक्स्ट्रा लगाए थे उनको तुरंत ही कंपनसेट हो जाते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है और हमारा लॉन्ग टर्म में एनर्जी एफिशिएंट एयर कंडीशनिंग में प्राप्त होती है और इलेक्ट्रिसिटी में हम अपना बिजली बचा सकते हैं। तो ऊर्जा बचत में एक इसका हम योगदान है। सेकंड स्ट्रेटजी है एक्टिव स्ट्रेटजीज फोर्स्ड वेंटिलेशन। अभी लास्ट पैसिव स्ट्रेटजीज में हमने नेचुरल वेंटिलेशन की बात की थी कि हम नेचुरली कैसे वेंटिलेशन प्राप्त कर सकते हैं, तो खिड़कियाँ हम कहाँ लगाएँ और रूफ का वो करके खिड़कियों की पोजिशन सही से करके ये सारी चीज़ें हमने देखी थी, लेकिन अब फोर्स्ड वेंटिलेशन की भी आवश्यकता पड़ती है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई तो आप पंखे बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तो अब हमें ये फोर्स्ड वेंटिलेशन के पंखे कूलर ये सब एग्जॉस्ट फैन ये सब हम यूज़ करने जा रहे हैं, तो हम इनको कैसे एनर्जी एफिशिएंट बनाएं, यानी कि जो भी डिवाइसेस हम यूज़ कर रहे हैं पंखे कूलर ये एनर्जी एफिशिएंट डिवाइसेस होनी चाहिए ताकि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम हो सके।
जैसे कि विद एडवांस, यहाँ पर बताया गया विद एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी लाइक BLDC ब्रशलेस DC मोटर टेक्नोलॉजी एफिशिएंसी ऑफ फैंस हैव इम्प्रूव्ड. दीज आर कैपेबल ऑफ सेविंग 50% ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बाई कंज्यूमिंग ओनली 30 to 35 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगेंस्ट कन्वेंशनल फैंस विच कंज्यूम 70 to 80 वाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो अभी जो हम फैन कन्वेंशनल यूज़ कर रहे थे, कन्वेंशनल पुराने ज़माने से चल रहे थे, 70 से 80 वाट की ऊर्जा हमारी खा रहे थे. लेकिन अगर ब्रशलेस डीसी मोटर्स टाइप के हमारे फ़ैन अवेलेबल है तो 30 से 35 वाट एनर्जी में भी हमारा इलेक्ट्रिसिटी में हमारा काम बन जाएगा. तो एक एनर्जी एफिशिएंट अप्रोच है वेंटिलेशन के लिए, हम कर सकते हैं तो हमें यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट एक्टिव स्ट्रेटजीज की अगर बात करें तो वह है लाइटिंग. प्रकाश के लिए हमारे पास पुराने ये सिस्टम दिखा रखा है. देखिए स्टैंडर्ड इनकैंडेसेंट है, न्यू हैलोजन इनकैंडेसेंट्स हैं, CFLs हैं और LEDs हैं. तो ये डेवलपमेंट्स हैं. तो एनर्जी एफिशिएंटी भाई लाइटिंग हमें ज़रूरत पड़ जाती है. मान लीजिए चार बीच में बरामदा है और उसमें कहीं भी कहीं तरफ से भी वेंटिले वो खिड़कियाँ वगैरह नहीं है, तो बीच के बरामदे में अगर सभी लोग बैठे हैं यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ लाइट हमें जलाने की जरूरत पड़ जाती है. या कमरे में भी कई बार ऐसा होता है बाहर उचित प्रकाश नहीं आ पाया तो कई बार हमें लाइट की आवश्यकता पड़ जाती है, तो हमें लाइट CFL या LED के रूप में प्रकाश जलाना पड़ता है. तो आज की डेट में सबसे ज़्यादा एफिशिएंट जो LEDs सबसे ज़्यादा बल्ब यूज़ हो रहे हैं. ये नो डाउट ये थोड़ा सा कॉस्टली होते हैं. पहले 10 रुपये के बल्ब बिजली का जाते थे, इनकैंडेसेंट स्टैंडर्ड जो इनकैंडेसेंट बल्ब थे फिलामेंट बल्ब वाले, वो 10 रुपये के मिल जाते हैं. लेकिन LED बल्ब जो है आपका 50 से 90 रुपये तक का मिलता है. तो ये जो कॉस्ट जरूर हम दे रहे हैं लेकिन LEDs की अगर आप लाइफ देखें तो 90 रुपये वाला जो LED हो कम से कम आपका 2-3 साल तो बड़े आराम से चल जाता है. कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती अगर बिजली का फ्लक्चुएशन वगैरह नहीं है तो. और वैसे भी जो आजकल LED आ रहे हैं उनकी वारंटी भी आती है, तो वारंटी के थ्रू आप उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं. तो कुल मिलाकर के यह है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन बहुत ही कम है. ये जो फिलामेंट वाले बल्ब थे अगर आप देखें तो 40 वाट 50 वाट 60 वाट और 100 वाट के बल्ब हम यूज़ करते थे. लेकिन जो LEDs जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 5 वाट 9 वाट इतने रोशनी से ही हमारा काम हो जाता है. तो इसलिए हमें एनर्जी एफिशिएंट लाइटिंग की तरफ बढ़ना चाहिए. इसके अलावा अब आज की डेट में T5 फ्लोरोसेंट ट्यूबलर लैंप्स जो हमारी न्यू टेक्नोलॉजी है ये बहुत बढ़िया है. ये LED से भी चीपर है और हमें ज़्यादा रोशनी देती है सेम उसमें, और ट्यूबलाइट की तरह लग जाती है. तो स्लिम एंड एलिगेंट अपीयरेंस इन एयर इज़ ऑल्सो वेरी गुड. तो ये हम यूज़ हमें करना चाहिए लाइटिंग सिस्टम में. नेक्स्ट है एक्टिव स्ट्रेटजीज में सोलर फोटोवोल्टाइक सेल. तो अपनी बिजली के बिल को कम करने के लिए हमें जितना संभव हो सोलर फोटोवोल्टाइक सेल का यूज़ करना चाहिए, सोलर एनर्जी का यूज़ करना चाहिए. गवर्नमेंट भी इस चीज़ को बहुत प्रमोट कर रही है, बहुत सारे ग्रिड भी बनाए गए हैं सोलर फोटोवोल्टाइक सेल के. तो हमें घर में भी इंडिविजुअल हम चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं. पावरिंग योर होम थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी सच एज सनलाइट कैन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ओनिंग एंड लिविंग इन इट. तो अगर हम अपने घर की ऊर्जा को बिजली को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जैसे सूरज की रोशनी के थ्रू लाइट करें तो हम बहुत ज़्यादा बिजली बचा सकते हैं. दो टाइप के हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर सकते हैं. पहला है प्रोवाइडेड विद बैटरी टू स्टोर द सोलर इलेक्ट्रिसिटी टू बी यूज व्हेनेवर द सनलाइट इज नॉट अवेलेबल, द सन इज नॉट अवेलेबल. तो एक तो यह है कि भाई बैटरी के साथ कम्बिनेशन में सोलर लाइट आई कि जो भी सोलर ने इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्ट किया वो हमने बैटरी में सेव कर लिया, स्टोर कर लिया. और जब हमारे पास सूरज नहीं है, सन नहीं है, उस टाइम पे हम बैटरी से एनर्जी लेकर के अपने अप्लायंसेस चला रहे हैं. दूसरा मेथड है कि कनेक्टेड टू द इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड टू ड्रॉ पावर व्हेन सोलर पावर इज इनसफिशिएंट ड्यू टू क्लाउडी स्काई कंडीशंस. और दूसरा तरीका है कि हम इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड सीधे जुड़ जाएँ तो जब हमारे पास सूरज नहीं है आसमान में और हमारे पास लाइट नहीं है तो हम सोलर पावर एनर्जी का यूज़ करके अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें. ए 1 kW ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर सिस्टम कैन बी सेटअप ओवर अ शेड फ्री एरिया ऑफ 10 square meters. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है कि अगर हम 1 kW का ऊपर छत पर हम एक अपना सोलर सिस्टम लगा लें तो घर के अंदर जो है 10 square meters तक के अंधेरे वाले इलाके को उजाला पहुँचाया जा सकता है. तो ये एक स्ट्रेटजीज़ है
हमें यूज़ करनी चाहिए अपने घर में, और बड़े घर में तो बहुत ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, मैं तो उसको बहुत प्रमोट करता हूँ। ये एक एग्जाम्पल दे रखा है एक्टिव स्ट्रेटेजीज में सोलर फोटोवोल्टेइक सेल का, कि एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो 1, 2, 3 नंबरिंग के थ्रू आप चलते चले जाइए। 1 नंबर पे सनलाइट, ये हमें क्लीन एनर्जी देगा, ग्रीन एनर्जी देगा, ठीक है। ये सूरज की रोशनी जब सोलर पैनल्स पर पड़ती है, 2 पर देखें, सोलर पैनल ऊपर छत पर लगा हुआ बिल्डिंग के, तो वो पैनल फिर क्या करेगा, इन्वर्टर के थ्रू एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट हो जाएगी। सोलर एनर्जी जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में सोलर पैनल के थ्रू कन्वर्ट हो जाएगी, और इन्वर्टर जो है वो उसको बैटरी में स्टोर कर देता है, कन्वर्ट्स एनर्जी इनटू द पावर। 3 नंबर इन्वर्टर पे। 4 नंबर पे मीटर जो है मेजर्स पावर अवेलेबल फॉर द यूज़ ऑफ यूज़ एंड एक्सपोर्ट, तो हम कितनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं और एक्सपोर्ट करना चाहते हैं वो पावर मीटर थ्रू मेजर कर सकते हैं। इन्वर्टर के थ्रू ही हम 5वें पॉइंट पर देखें, बैटरी स्टोरेज हमारे पास है, तो इन्वर्टर जो है जो बिजली बनाता है सोलर एनर्जी को बिजली में कन्वर्ट करता है, वो हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, अपनी बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, ताकि भविष्य में हम उसको यूज़ कर सकें, और यही बैटरी जो है फिर वो ग्रिड के कनेक्शन भी दे सकते हैं। तो 6 पॉइंट पर आप देख सकते हैं, ग्रिड कनेक्शन रिटर्न्स एक्सेस एनर्जी टू द यूटिलिटी, तो जो भी हमारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी जो है वो हमें आगे हम वापस भेज सकते हैं। तो इस प्रकार से सोलर एनर्जी हमें घर पर सोलर रूफ टॉप हम इस्टेब्लिश करके हम बना सकते हैं। देखिए ये एक लेटेस्ट स्ट्रेटेजीज बताई गई है, बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टाइक्स। ये क्या चीज़ है, छत पर ही इंटीग्रेटेड अगर हम फोटोवोल्टाइक सेल लगवा दें, तो ये आजकल बहुत आ रहा है। ये आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिज़ाइन हैं यहाँ पर दिखा रखी हैं। तो यहाँ पर छत पे ही देखिए, यहाँ इस पर भी ये छत ही ऐसी डिज़ाइन कर दी गई है कि यहाँ पर आपका फोटोवोल्टेइक सेल लगे हुए हैं परमानेंटली, और वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ग्रीन एनर्जी हमें मिल जा रही है इसे। नेक्स्ट स्ट्रेटजी है एक्टिव स्ट्रेटजी में सोलर वाटर हीटर। गर्म पानी हम लोग घर में सब सर्दियों में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, गर्म पानी नहाने में भी, कपड़े धोने में भी, खाने में भी, तो ये गर्म पानी हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये हम सोलर वाटर हीटर के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक चित्र आप देख रहे हैं, इसमें सोलर वाटर हीटर बना हुआ है। द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट कैन बी यूज टू हीट वाटर इन होम्स। ए सोलर हॉट वाटर हीटर डज द सेम, इट कंटेन्स द सेवरल सोलर कलेक्टर्स इंस्टॉल्ड इन ओपन स्पेस रूफ्स विच गेट सनलाइट। वाटर विच इज हीटेड इज स्टोर्ड इन अ टैंक कैपेबल ऑफ रिटेनिंग द हीट टू बी यूज फॉर वेरियस डेली एक्टिविटीज़ लाइक वॉशिंग एंड बाइदिंग। तो इस चित्र को देखते हैं, आइए इसमें मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफिंग कर देता हूँ। सबसे ऊपर आप देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल थर्मल स्टोरेज टैंक, ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है। नीचे जो है स्टोरेज टैंक सपोर्ट सिस्टम है, ये सपोर्ट ब्लैक कलर का जो फ्रेम बना हुआ है ये सपोर्ट सिस्टम है। अब बीच में आप ETC इवैक्यूएटेड ट्यूब कलेक्टर्स देख रखे हैं, ये क्या करते हैं, ETC विद इंटीग्रेटेड हीट पाइप, इसके अंदर हीट पाइप भी होता है, तो ये हीट कलेक्शन करता है और अंदर पानी इनके थ्रू जाता है, तो जो हीट कलेक्टेड होती है वो पानी में ट्रांसफ़र हो जाती है, और पानी गर्म होकर के आपका इस ऊपर जो टैंक दिख रखा है इसमें इकट्ठा होता चला जाता है। इसमें एक भाई टैंक में, क्योंकि जब आप पानी आएगा तो थोड़ा सा भाप भी बनती है, तो थोड़ा सा उसके लिए बाहर पाइप एग्जॉस्ट पाइप भी लगा होता है थोड़ा सा, और प्रॉपर पानी लेने के लिए भी कनेक्टिविटी बनी होती है, तो ये भी एक अरेंजमेंट है। ये सीधे सोलर की एनर्जी से हमारा काम कर जाता है, तो अच्छा टेम्परेचर इससे मिल जाता है, 60 डिग्री सेल्सियस तक का आप टेम्परेचर आराम से गेन कर सकते हैं इस पानी में। और लास्ट स्ट्रेटजी है एक्टिव स्ट्रेटजीज़ में एनर्जी मॉनिटरिंग सिस्टम। हमें अपने जो एनर्जी कंजम्पशंस हैं वो मालूम होने चाहिए कि कितनी हम एनर्जी कहाँ पर कंज्यूम हो रही है। इट इज़ यूजफुल टू कीप ट्रैक ऑफ योर होम एनर्जी यूज़। एनर्जी यूज़ कैन बी ट्रैक्ड पीरियोडिकली, मोनिटर द इंफॉर्मेशन ऑन योर एनर्जी मीटर्स। तो ये हमें एनर्जी मीटर के थ्रू हम ले सकते हैं, और हमें हमेशा टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। मॉनिटरिंग योर एनर्जी यूज़ कैन इन्फ्लुएंस कॉन्शियस डिसीजन ऑन परचेज ऑफ अप्लायंसेज एंड अदर एनर्जी कंजम्पशन इक्विपमेंट्स। ये आप इलेक्ट्रिसिटी बिल या कह लो या एनर्जी का कंजम्पशन मॉनिटर करके हम ये पता लगा सकते हैं कि घर में कितनी खपत हो रही है, बिल्डिंग में कितनी ऊर्जा की खपत हो रही है, तो हमें और अप्लायंसेज खरीदने चाहिए या नहीं चाहिए, या किस टाइप के अप्लायंसेज खरीदने चाहिए, इसका डिसीजन करना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि भाई अपनी क्षमता के हिसाब से ही हमें एनर्जी कंजम्पशन करना चाहिए, जितनी आवश्यकता उतनी करें, फालतू एनर्जी कंजम्पशन नहीं करना चाहिए।
तो इसीलिए जो ज़रूरत का सामान है उसी को यूज़ करना चाहिए, एक्स्ट्रा सामान नहीं यूज़ करना चाहिए, और वही सामान लाएँ जो एनर्जी एफिशिएंट है, स्टार रेटिंग देख करके लाएँ। तो स्टार लेवलिंग के बारे में हमने पहले ही जान चुके थे। नाउएडेज स्मार्ट मीटर्स आर अवेलेबल फॉर होम ओनर्स, दिस डिवाइसेज कैन कनेक्ट टू योर स्मार्टफोन्स एंड गिव ऑलमोस्ट रियल टाइम अपडेट्स ऑन एनर्जी यूज़। तो ये आजकल बहुत इंपॉर्टेंट आ रखा सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम भी आ रखे हैं, हार्डवेयर सिस्टम भी आ रखे हैं, कम्बिनेशंस भी हमें मिलते हैं कि हम मोबाइल के थ्रू ही मॉनिटर कर सकते हैं रियल टाइम में हमारी पर डे, और हमारा पर इक्विपमेंट वाइज भी हम नाप सकते हैं कि कितना कौन सा इक्विपमेंट एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम भी हम इसमें लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हम एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग कैसे बना सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच।